दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज की खास विशेष मनमोहक अच्छा इंसान बनाने वाला, हमारी तरक्की करने वाला, हमें अच्छे गुण देने वाला, अवगुणों से हमें बचाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान के माध्यम से व्यक्ति में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रतिदिन जो नए नए विषयों के साथ के अंदर विवेचन किया जाता है, तो इसी क्रम में आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के प्रवेश कर रहे हैं जो कि हमारे समाज का एक प्रतीक है। तो आज का विषय है माता पिता संसार के भगवान। भाई और बहनों, इतना सुंदर विषय है कि सुंदर विषय के ऊपर घंटों घंटों बोला जा सकता है। माता पिता, मां कहते ही जो है मुंह भर जाता है आनंद से, प्रेम से, शांति से, सुकून से। मां शब्द जो ही हम बोलते हैं तो हमारे रोम रोम के अंदर आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? कि मां हमें संसार दिखाती है, संसार में लाने वाली मां है, और संसार के अंदर मां का स्थान भगवान भी नहीं ले सकता है। मां बच्चे की पहली पाठशाला है, और ऐसा कहा जाता है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदा गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर के होती है। माँ कभी भी किसी भी संतान का अहित नहीं चाहती है, चाहे संतान सपूत है, चाहे संतान कपूत है, चाहे संतान बीमार है, चाहे संतान मंद बुद्धि की है, उसकी हमेशा सेवा करेगी और उसका हमेशा हित चाहेगी। ईश्वर ने माँ को एक भगवान का रूप दिया है, और जिस घर के अंदर माँ बाप होते हैं वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं, और जो अपने घर में माँ बाप को रखते हैं उन पर 33 करोड़ देवी देवता खुश रहते हैं। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहां पर नारी का सम्मान किया जाता है वहां देवता रमण करते हैं, वहां देवता निवास करते हैं। तो नारी हमारी भारतीय संस्कृति में पूजनीय है, वह वंदनीय है, और उसको बहुत उच्च दर्जा दिया गया है, क्योंकि मनुष्य और पुरुष के अंदर सबसे बड़ा भेद क्या है कि मादा यानी नारी है वही संतान दे सकती है, पुरुष संतान नहीं दे सकता। हालांकि पुरुष का सहयोग होता है, लेकिन 9 महीने बच्चे को पेट में कौन रखती है? मां रखती है, मां अपना खून पिलाती है, और मां 9 महीने तक अपनी पेट के अंदर उसको धारण करके और उसका पालन पोषण करती है, और उसको संस्कार बच्चे को जो है जन्म में दे दिए जाते हैं। भगवान महावीर का एक मैं प्रसंग बताना चाहता हूं, बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि भगवान महावीर ईश्वर बनने वाले थे, तीर्थंकर बनने वाले थे। हर तीर्थंकर अपने जन्म के समय जब माँ के गर्भ के अंदर आता है तो 3 ज्ञान लेके आता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। इस ज्ञान की व्याख्या मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का विषय नहीं है। और जब वो दीक्षा ग्रहण करते हैं तीर्थंकर, तो चौथा मनोपर्यव ज्ञान हो जाते हैं, और जब केवली बनते हैं तो उनको केवल ज्ञान हो जाता है, वो ईश्वर बन जाते हैं। संपूर्ण विश्व की कोई भी वस्तु, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, उसके कोई पर्याय जो उनके उनके ध्यान में नहीं रहते उनको साक्षात देखते हैं। तो महावीर ने जब त्रिशला माँ के गर्भ के अंदर जन्म लिया, अब देखिए उसका कैसा प्रसंग आता है कि माँ के गर्भ के अंदर जब बच्चा हिलता डुलता है तो माँ को आह्लाद होता है, गुदगुदी होती है, उसको प्रसन्नता होती है। देखिए कितना बड़ा एक साइंटिफिक ईश्वर ने बनाया है कि माँ जब जो पेट के अंदर संतान होने से उसको कितनी कितनी खुशी होती है, शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है। लेकिन महावीर ने यह देखा कि मैं मेरी माँ के गर्भ के अंदर हिलता डुलता हूं तो माँ को कितनी तकलीफ होगी। अब देखिए जिस कक्ष के अंदर बच्चा हिलने डुलने लगा, तो त्रिशला माँ ने अपने पति सिद्धार्थ को कहा, राजा सिद्धार्थ को कहा, ये जो है नालंदा के अपने वैशाली के राजा थे, कि आप पूरे जो है वो अपने शहर के अंदर जो है वो शहनाइयां बजाओ, खुशी की बात करो।
लेकिन जब महावीर ने देखा कि मैं हिलता डुलता हूं, माँ को कितनी तकलीफ होती, तो उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया, बिल्कुल एकदम स्थिर हो गए, मूर्तिवत हो गए। माँ ने देखा मेरे गर्भ को क्या हुआ, कहीं मेरा गर्भ जो है, उन्होंने अशुभ चिंतन जारू किया, गर्भ को क्या हुआ, उसको चिंता करने लगी। और उन्होंने फिर जो सिद्धार्थ को कहलाया कि पूरी जो है शहनाइयां वगैरह जो खुशी का माहौल है उसको रोक दो, तो वो तो क्या अवधि ज्ञानी थे, भगवान ने देखा अरे ये क्या हुआ, उल्टा हो गया, खुशी की जगह जो है वहां पर जो है वो पूरा माहौल ही बदल गया। उन्होंने फिर हिलना डुलना जानू किया और माँ की इस देखिए माँ के प्रति उनकी कितनी करुणा हुई कि उन्होंने गर्भ के अंदर ही ये प्रण कर लिया कि जब तक मेरे माता पिता जिंदे हैं मैं दीक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि अगर जीवित स्थिति में उनको छोड़ के जाऊंगा तो इसको बहुत बड़ा दुख होगा, तो जब तक वो जीवित रहे वो साधु नहीं बने। अब देखिए पिता की बात आती है, तो पिता जो है एक अम्ब्रेला का काम करता है, पिता जो है एक नारियल की तरह होता है, नारियल ऊपर से कठोर होता है भीतर से बहुत मुलायम होता है। अभी देखिए कुम्हार जो घड़ा बनाता है वो कितनी उसकी टेक्निक है, वो नीचे हाथ रखता है, मिट्टी के नीचे हाथ रखता है और उसके ऊपर ठोकता है, तब जाकर के वो घड़े की जो है वो खोखलापन उसकी परत बनती है और पक करके आवे आव के अंदर पक करके वो घड़ा तैयार हो जाता है। ठीक उसी तरह से पिता जो है अनुशासन सिखाता है, माँ करुणा की मूर्ति होती है, माँ बच्चे को करुणा सिखाती है, प्रेम सिखाती है, वात्सल्य सिखाती है, इसीलिए माता और पिता का दोनों के संस्कारों से बच्चा होलिस्टिक बनता है। एक तरफ तो करुणा तो बहुत ही शालीनता की बात होती है और एक तरफ कठोरता की बात होती है, वह अनुशासन होता है, कई बार अनुशासन करना पड़ता है, अनुशासन कठोर निर्णय भी लेने होते हैं, तो दोनों माता पिता से सीखता है, तो दोनों का रोल जो है बराबर है, कम रोल नहीं है। माँ तो देखिए संसार दिखाती है इसलिए उसका तो रोल बड़ा ही है, पूजनीय ही है, लेकिन पिता का रोल भी कम नहीं है। पिता भरण पोषण करता है कि वो सारी व्यवस्था करता है कि बच्चों को कैसे सुख मिले, और माँ के लिए देखिए बच्चा जो है वो बचपन के होता है टॉयलेट करता है पेशाब करता है और उस ठंडे के अंदर माता गंदगी में मांस होती है रात्रि के अंदर और बच्चे को सूखे के अंदर सुलाती है, इसीलिए कहा गया है कि माता पिता के जो है पैरों का पानी प्रक्षालन करके उसकी संतान रोज पिए जीवन भर पिए तभी वो ऋण से उऋण नहीं हो सकते। अब देखिए भगवान अपने आप माता पिता भगवान हो गए कि नहीं, क्योंकि हमको हमको सबसे अच्छा बनाने वाला, हमको अच्छा व्यक्तित्व देने वाला, हमको संसार में सुख देने वाला कौन व्यक्ति होता है, वो माता पिता हो गया। इसलिए माता पिता को संसार का भगवान कहा जाता है और वास्तव में उनका स्थान भगवान का ही होता है। भाई और बहनों दर्शक गण में इस इतने सुंदर विषय के ऊपर घंटों घंटों बात करता हूँ तो मुझे भी बहुत आह्लाद की अनुभूति होती है और आपको तो निश्चित होगी, क्योंकि जब वक्ता को आनंद की उत्पत्ति होती है तो निश्चित रूप से उसके विचारों का इतना प्रभाव पड़ता है कि श्रोता है वो अवश्य ही आनंदित होता है, क्योंकि ये वक्ता और श्रोता का तारतम्य होता है। जब दोनों का तारतम्य तार जुड़ जाता है तो वो एक मेक हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, इसको एकाकार बोला जाता है, तादात्म्य बोला जाता है इसको। तो इस तरीके से बंधुओं मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे ब्रह्मा जी जो है वो इस संसार का जो है पूरा लेखा जोखा रखते हैं और वो संसार का निर्माण करते हैं, और विष्णु है भरण पोषण करते हैं पालन पोषण करते हैं, और महेश जो है वो दोनों काम करते हैं, व्यक्ति को प्रोत्साहन भी देते हैं, उसका शिव का मतलब कल्याण, कल्याण भी करते हैं, लेकिन अभी अनुशासन की बात जो मैंने कही है तो वह व्यक्ति को जो है दंड भी देते हैं, यानी दोनों तरह की क्वालिटी है शिव के अंदर, कल्याण की भी है और पनिशमेंट की है।
तो ऐसे जो ऐसी क्वालिटी, ये ड्यूअल क्वालिटी है और ये होलिस्टिक क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी वाले शिव है, शिव भगवान है। शिव भगवान की पत्नी का नाम माँ पार्वती, जिसको दुर्गा कहा जाता है, उनके दो संतान थी, एक तो कार्तिकेय था छोटा था और गणेश जी जो है वो बड़े थे। अब उन्होंने इस बात की परीक्षा करने के लिए कि मेरे दो पुत्रों के अंदर पुत्र समझदार कौन सा है, होशियार ज्यादा कौन सा है, मेधावी ज्यादा कौन सा, इंट्यूशनल ज्यादा कौन सा है, पंडित कौन सा है, मतलब हमारी सेवा करने वाला कौन सा है, तो उसकी परीक्षा करने के लिए दोनों पुत्रों को जो है उन्होंने ये कहा कि तुम पूरे इस सृष्टि का भ्रमण करके आओ, जो प्रथम आएगा हमारे जो है चरण स्पर्श प्रथम करेगा घूम करके, वो प्रथम घोषित किया जाएगा। अब देखिए कि गणेश जी का जो वाहन था वह तो जो है वो मूषक था, चूहा था। गणेश जी खुद भारी और चूहा बहुत छोटा, और कार्तिकेय पतले थे और उनका तेज हेलीकॉप्टर की, या कहना चाहिए प्लेन की रफ्तार से उड़ने वाला गुरुड़ जो उनका वाहन था, और भगवान जो है वो शिव का स्वयं का वाहन नाग देवता थे, और उस तरह और माता शिव का जो दुर्गा का जो है वाहन सिंह, हरे का अपना अपना वाहन था। तो आप देखिए कि दोनों को कहा गया, दोनों चले गए, कार्तिकेय तो तुरंत जो है वो फास्ट स्पीड से निकले विश्व भ्रमण करने के लिए। अब गणेश जी ने एक तरकीब निकाली, उन्होंने क्या किया कि मूषक पर बैठ करके अपने माता पिता जो विराजमान थे उनके 5-7 परिक्रमा करके और उनके चरणों में आकर के बैठ गए। अब कार्तिकेय थोड़ी देर के बाद में काफ़ी लेट आए, तो भगवान शिव ने कहा कि गणेश तो पहले ही आ चुका, तो गणेश जी को वरदान दिया कि जब कभी भी इस विश्व के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य होगा तो तुम्हारी सब पूजा सबसे पहले की जाएगी, श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, चाहे हमारा दुकान का हो, चाहे मकान का हो, चाहे नए कार्य का हो, चाहे बिजनेस का हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, श्री गणेशाय नमः। तो इस तरीके से उनको इतना वरदान क्यों मिला? अब देखिए यहां बड़ा साइंटिफिक रीजन अपने सामने आता है कि वह उन्होंने माता पिता को ही अपना संसार मान लिया कि मेरे संसार के जो भगवान हैं माता पिता ही है, तो उनका राउंड निकाल लिया, यानी वो विश्व भ्रमण हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात है जो कि मेरे इस विषय के ऊपर सटीक बैठती है कि माता पिता संसार के भगवान हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति को जो है आप अपनाएं और अपने माँ बाप को बिल्कुल कष्ट न हो ऐसा कार्य करें, और ख़ास तौर से जब वो निर्बल हो जाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब वो अस्वस्थ हो जाते हैं, तो उनको किसी तरह का तकलीफ नहीं देनी चाहिए, उनके पास बैठ के बातचीत करनी चाहिए, उनको चित्त समाधि देना चाहिए कि किस तरीके से उनके जीवन में प्रसन्नता रहे। क्यों ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते, कहीं माता पिता को दिखाई नहीं देता है, किसी को सुनाई नहीं देता है, किसको ऐसी बीमारी हो जाती है लकवा इत्यादि, तो घूम फिर नहीं सकते, कहीं कहीं तो ऐसे कोमा में भी चले जाते हैं कि टॉयलेट वगैरह उनको भान नहीं होता, भीतर ही करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस सुंदर विषय के माध्यम में मैं आपको अपील के साथ कहना चाहता हूं कि अपने माता पिता को कभी दुख मत देना। जो माता पिता को दुख देता है वो जीवन के अंदर कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये हमारे सभी भारतीय जो हमारे बड़े बड़े स्क्रिप्चर हैं, हमारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, सबके अंदर यही लिखा गया है। और माँ के ऊपर तो इतनी इतनी कविताएं, इतने इतने लेख और इतने इतने ग्रंथ लिखे गए हैं, मैं भी आपको घंटों घंटों पर इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पर दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम एक सुंदर विषय के ऊपर इतने गहरे चले गए थे कि अब थोड़ी ब्रेक की आवश्यकता है। थोड़े समय का हमने ब्रेक लिया, अब ब्रेक के बाद पुनः हमारा सुंदर जो विषय है उसके ऊपर विवेचना हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। और भाइयों और बहनों, समय की अल्पता है,
तो अब मैं थोड़ा वर्तमान का सिनेरियो क्या है उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूं, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम में जो विषय जो मुझे दिया गया है वो प्रसंगोपांग विवेचना की जाती है, उसका प्लस, उसका माइनस और फिर उसका रिजल्टेंट, यानी उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो आजकल हमारे समाज में क्या हो रहा है, आज हमारे समाज में बहुत बुराई आ गई है, आज हर व्यक्ति इगोस्टिक हो गया है, हर व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, कि उसको बच्चे को तो बचपन के अंदर माता पिता पर आश्रित होता है, तो वो तो माता पिता आश्रित है तो वो तो हमेशा अच्छे लगेंगे ही, अच्छे क्या, वो पालन पोषण ही वही करता है, वो समझता ही नहीं कुछ। जब बच्चा युवा हो जाता है तो माता पिता उसकी अच्छी लड़की के साथ शादी करते हैं, शादी करने के बाद के अंदर क्या होता है ये बड़ी समझने की बात होती है। तो धीरे धीरे देखिए कि जो अपनी पत्नी आती है वो दूसरे घर से आती है, लेकिन दोनों के बीच में ऐसा सामंजस्य होना चाहिए पति पत्नी के बीच के अंदर कि माता पिता की दोनों सेवा करें, वो भी किसी माता पिता को छोड़ करके नए माता पिता के पास आई है, यानी जिसने जन्म दिया है और अब जिस घर में ससुराल में आई है दोनों को एक समझना चाहिए, आने वाली को भी, नारी को भी एक समझना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि नारी दोनों दोनों घर को दीपाती है, वह जो युवा अवस्था के अंदर अपने अपने पीहर को जो है प्रसिद्धि देती है, और जब शादी होती है ससुराल को प्रसिद्धि दी जाती है, और नारी के लिए कहा जाता है कि नारी विवाहित होने के बाद में ससुराल में अच्छी लगती है, ठीक है एक दो दिन मिलने के लिए कभी पीहर जाती है, लेकिन नारी कभी भी जो मैरिड नारी है वो पीहर में अच्छी नहीं लगती है, पीहर के अंदर मात्र जो है वो गेस्ट के रूप में जाए तब अच्छी लगती है, उसको अपना घर यानी ससुराल में रह करके उस घर को सुधारने की बात करनी चाहिए। तो देखिए आजकल क्या हो रहा है कि माता पिता की बहुत दुर्गति हो रही है, आजकल क्या है कि कोई भी माता पिता नौकरी करते हैं, जब उनको बाहर रिटायरमेंट हो जाता है तो बेटे फुसला करके सारा पैसा ले लेते हैं, और ले उनको ये कमिटमेंट कराते हैं कि पिताजी हम आपको लौटा देंगे, पर जब माता पिता को आवश्यकता पड़ती है स्वास्थ्य के लिए, भरण पोषण के लिए, या उनको जो है, देखिए एक जो है जब आदमी सीनियर सिटीजन हो जाता है, बुजुर्ग होता है, तब उसको अगले जन्म की दिखती है तो कुछ दान पुण्य भी करना चाहता है, तो दान पुण्य करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, यानी उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उसकी मन की बात मन में ही रह जाती है। पहले तो उसने ख्वाब देखा कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनको पाल दूं, पोस दूं, अच्छा पढ़ा लूं, अच्छी शादी कर दूं, पैरों पर खड़ा कर दूं। अब पैरों पर तो खड़ा कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उनके सपने जो है धूमिल होते जाते हैं, सपना सपना रह जाता है, उनकी खुद की जो भरण पोषण का ही पता नहीं चलता है, और जिनके पेंशन नहीं आती है, जो ऐसे ऐसे किस्से आजकल आ रहे हैं कि माता पिता की कोई केयर नहीं होती है और माता पिता को मजबूर होकर घर छोड़ना पड़ता है, और ऐसी ऐसी संतानें हैं, क्या कहना चाहिए, बहुत बुरी बात है, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति आपके सामने सत्य को रखना भी जरूरी है, ऐसे ऐसी आजकल औलाद है जो कि माता पिता को कहते हैं कि हम आपको जो तीर्थ यात्रा में ले जाते हैं और कुंभ का मेला जहां ज्यादा भीड़ होती है मंदिर के अंदर, उसको अकेला छोड़ करके, उनकी हालत पर जो अकेला छोड़ करके आ जाते हैं, कितनी कितनी दुर्गति करते हैं जिसकी कोई कहना कोई शुमार नहीं, कोई हद नहीं, माता पिता को बड़ी मायूसी होती है घर के अंदर कि कोई सुनने वाला नहीं होता, उनकी देखभाल करना नहीं होता है, जबकि घर के अंदर पोते भी होते हैं, बेटे भी होते हैं, बेटे की बहू भी होती है, लेकिन जब बीमार होते हैं तो उनकी हालत कोई देखने वाला नहीं होता है। हाँ ये अवश्य बात है, कुछ माता पिता जिद्दी हो जाते हैं, ये भी होता है, प्रकृति के साथ जो है ना व्यक्ति के अंदर क्रोध, जिद्दीपन, जो है अड़ियल स्थिति, ये भी हो जाती है, ये तो उसकी गलती है, उनको भी समय, माता पिता को भी समय के अनुसार ढलना चाहिए, पर बहुत सी बात उम्र आने के बाद में कई व्यक्ति समय के साथ नहीं ढल पाते हैं, वातावरण के साथ नहीं ढल पाते हैं, तो संतान को देखना चाहिए कि उनकी उम्र आ गई है, ये नहीं ढल सकते तो हम ढल जाए, हम इनको चित्त समाधि पहुंचाएं, इनको हर तरीके से प्रसन्न रखें, इनको हम प्रसन्न रखेंगे तो ईश्वर हमारा प्रसन्न रखेगा, और निश्चित बात है
जो लोग माता पिता को प्रसन्न रखते हैं उसको कहीं भी भगवान की पूजा करने जाना नहीं है। इसी साक्षात ये संसार के भगवान हैं, इनकी पूजा करो, इनकी देखभाल करो और इनको चित समाधि दो तो समस्त 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारे घर के अंदर आ जाएंगे और वही तुम्हें अपने आप प्रसन्न रखेंगे, समृद्धि करेंगे। चाहे आप जो भौतिक समृद्धि चाहते हो तो भी होगी और माता पिता के साथ में आध्यात्मिक समृद्धि भी होगी, क्योंकि माँ का दिल ऐसा होता है कि देखिए ऐसा कहा जाता है कि कोई भी संतान के कोई भी दूर बैठा है और उसके कोई अहित हो रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, वो समस्याग्रस्त हो रहा है, तो माता के पेट के अंदर जलन चालू हो जाती है और माँ ये बोलने लग जाती है कि कोई न कोई अनिष्ट होने वाला है। ऐसा माँ का कलेजा होता है। माँ के कलेजे के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक ऐसा बेईमान बेटा था कि उसने वशीभूत होकर के कुछ कूद संगत से कोई कारण से माता का सिर काट दिया और माँ इतनी बढ़िया माँ थी, उसका सिर काट दिया। सिर काटने के बाद के अंदर वो लेकर के कहीं जा रहा था तो सिर जो है उसका कटा हुआ सिर है वो उसके पैरों पर गिर पड़ा, तो माँ वो उसका सिर बोलता है माँ का कि बेटा तेरे पैरों के लगी तो नहीं। देखिए कितनी बड़ी माता पिता की सोच और कितना बड़ा संतान की भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक जीता जागता उदाहरण न्यूज में सुना था कि एमपी के जो उज्जैन के अंदर जो है एक बहुत बड़ा माना हुआ सेठ का परिवार था, 74 साल जो है वो सेठ जी उम्र में थे और सेठानी जो 71 साल की थी और वो कई वर्षों से प्रधान ट्रस्टी थे मंदिर के, जैन मंदिर के ट्रस्टी थे, वो जैन थे, लेकिन उनके एक ही लड़का था। पता नहीं उस लड़के की माता पिता से क्या अनबन हुई कि उस लड़के ने पहले तो माँ को 71 वर्ष की गोली मारी और फिर उसके बाद के अंदर पिता को 74 वर्ष से उनको गोली मार दी और फिर बाद के अंदर वो गायब हो गया और उसको फिर पुलिस ने ढूंढा और सारी बातें हुई और उनके जो है शव यात्रा के अंदर रमन सिंह जी वहाँ के जो है वो ये बात छत्तीसगढ़ की है तो वहाँ के जो है वो रमन सिंह जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं आए, सॉरी मध्य प्रदेश की नहीं छत्तीसगढ़ की रियल घटना है, मैंने अभी अखबार के अंदर पढ़ी थी। ऐसी स्थिति है माँ बाप के साथ इस तरीके का करते हैं, बताइए जिन्होंने संसार दिखाया और जिन्होंने पैरों पर खड़ा किया अपना सब कुछ सर्वस्व बलिदान, माता पिता अपनी संतान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते हैं, वो एक एक पाई जोड़ते हैं, किसके लिए जोड़ते हैं कि हमारी संतान सुखी रहे, हमारी संतान के लिए घर चाहिएगा, हमारी संतान को शिक्षा दिलानी है, कहीं भी बच्चा थोड़ा सा बीमार पड़ता है तो माँ तो अपनी बीमारी को या अपनी अवस्था को तो भूल जाती है, उसके अंदर तन्मय हो जाती है, उसको दवाई के लिए डॉक्टर को दिखानी जाती है। और पढ़ाई की बात देखिए कि बच्चा प्रातःकाल प्रातः सर्दी की बात हो गर्मी की, माँ 5 बजे सुबह उठती है, 7 बजे बच्चे को स्कूल जाना होता है, ये हकीकत है, तो बच्चे को किस तरीके से तैयार करती है, फटकारती है, उठाती है 4-4, 5-5 बार और कितनी उसकी सहन शक्ति है। पिता देखिए, पिता में सहन शक्ति जेंट्स में कम होती है, पिता तो है इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए कहा जाता है कि एक माँ जो है वो 10 बच्चों को 12 बच्चों को पाल सकती है और पाली है। मेरे खुद के भी हम 10 भाई बहन हैं और मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, उन्होंने हमारे को पाल पोस करके और हर एक को अच्छा विद्वान करोड़पति बनाया, तो उस माँ बाप का जो है हम जीवन के अंदर किस तरीके से जो है वो कृतज्ञता भूल सकते हैं, आज भी उन प्रतिक्षण याद करते हैं कि वो हमें जहाँ भी हो हमको आशीर्वाद देते रहें। दर्शकगण श्रोतागण भाई और बहनों, पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम से आपका ब्रेन वॉश हो रहा है, आप ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चलते हैं यहाँ पर और व्यक्ति के अंदर जागरूकता आती है, व्यक्ति के अंदर चेंज आ रहा है, उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है और इसका कारण यह है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य जगत कल्याण करने का है, हमारे समाज में जो जो बुराइयां हैं उनको हाईलाइट करने का है, उनके कारण और निवारण पर ध्यान देने का है। आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आप खूब दीर्घायु हो और खूब समाज की सेवा करते रहें, आपके प्रति मंगल।